ब्यूटीफुल, बहुत ही हसीन. नमस्कार, आदाब, शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ. हर मकाम पे लगता है कि मंजिलें और भी हैं, हर मकाम पे लगता है कि मंजिलें और भी हैं, रास्ता अभी बाकी है, बहुत मंजिलें और भी हैं. ऐसी ही शख्सियत है उनकी जो हमारे आज के मेहमान हैं, जिन्होंने बेपनाह कामयाबी के बाद भी अपना सफ़र बदस्तूर जारी रखा. संगीत जिनके लिए इबादत है, जिन्हें सानिध्य मिला संगीत जगत की आला हस्तियों का भी. शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर व मारूफ संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य से. संतूर के तारों की जादूगरी, मैं हर घराने की नुमाइंदी, रागदारी और लयकारी का अनमोल संगम, संगीत के हसीन सफर का एक खूबसूरत सितारा, पंडित तरुण भट्टाचार्य. पिता पंडित रवि भट्टाचार्य और माता सोवा भट्टाचार्य के घर 23 दिसंबर 1957 को हावड़ा कोलकाता में आपका जन्म हुआ. पिता के साथ साथ पंडित दुलाल रॉय और मशहूर व मारूफ सितार वादक पंडित रविशंकर जी से भी तालीम हासिल करने का मौका मिला. अपने संगीतमय सफर में उन्होंने कई प्रयोग किए. जिसमें उन्हें मनका का जन्मदाता भी कहा जाता है. मनका की वजह से बहुत कम समय में संतूर की तारों को ट्यून करने में मदद मिलती है. पंडित तरुण भट्टाचार्य ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में कई खास और अहम मकामों पर अपनी प्रस्तुतियां दी. पंडित तरुण भट्टाचार्य ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने देश विदेश में कई बड़े कलाकारों के साथ जुगलबंदी भी की. जो संगीत रसिकों के लिए एक दुआ की मानिंद है. लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल, द ब्यूक ब्रशल थिएटर जैसे मशहूर हॉल्स में उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा. पंडित तरुण भट्टाचार्य सामाजिक चेतना के साथ जुड़ना अपना फर्ज समझते हैं. यही वजह है कि वो पोलियो अभियान के साथ साथ कई मुहिमों के साथ जुड़े. संगीत किसी वर्ग विशेष की जागीर नहीं, इसी सोच के चलते उन्होंने हावड़ा के डोमजोर में संतूर आश्रम की शुरुआत की, जहां अमीर और गरीब का भेद खत्म हो जाता है, रह जाता है सिर्फ कला धर्म. यह आश्रम गुरु शिष्य परंपरा का खूबसूरत नमूना है. स्ट्रिंग्स ऑफ सेरेनिटी, उनकी सीडी किरवानी जो दुनिया के 10 प्रमुख सीडीज में शुमार होती है, सरगम, सॉन्ग ऑफ नेचर, शेफर्ड्स कॉल, लवर्स कॉल जैसे बेशुमार एल्बम्स आपकी संगीतमय यात्रा का नजराना है. संगीत जगत में उनकी खिदमात के लिए उन्हें बेशुमार अवार्ड्स मिले.
بقول ان کے جو وقت بہ وقت ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ بہت بہت سواگت پنڈت جی پروگرام شخصیت میں آپ کا۔ نمسکار۔ بچپن میں آپ کو کب یاد پڑتا ہے کہ آپ نے بہت سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ اب سنگیت میں اپنا ایک مقام بنانا ہے؟ بچپن میں مجھے ذرا سا بھی اچھا نہیں تھا کہ میں میوزک میں آئے، اور میرا پتا جی جو ستار پلیئر تھے زبردست تھے، ہم کو میوزک میں لایا۔ تو جب گھر میں جب تبلا ٹیچر میرے ساتھ سنگت کے لیے آتے تھے تو ہم ٹیبل کا نیچے چھپ جاتے تھے، اچھا، تو پورا گھر ہم کو ڈھونڈتے رہے، تو ایسا تھا۔ لیکن جب ہم چار پانچ سال میری ہوئی، ایک پروگرام بجایا میں نے چھوٹا سا، تو اس پروگرام میں میں نے راگ شیورنجنی 10 منٹ پرفارم کیے تھے۔ پتا جی نے اٹھا کے، جیسے بائی ہارٹ ہوتا ہے اس سمے بچپن میں، تو بجا دیا۔ اس کے بعد بہت سارا لوگ آئے، ہم کو گودی میں اٹھا لیا اور چاکلیٹ دیا، کچھ پیسہ ملا، پیسہ دیا تو مجھے لگا تو یہ تو بڑا اچھا چیز ہے، اس میں چاکلیٹ بھی ملتا ہے، پیسہ بھی ملتا ہے، اور اتنا سب پیار بھی ملتا ہے لوگوں سے۔ تو اس پروگرام کے بعد میرا الٹا ہو گیا، پہلے پروگرام پھر پراپر سیکھنا شروع ہوا۔ ترون جی، اپنے ماتا پتا کے بارے میں بھی کچھ بتائیے تھوڑا سا، اور جس پریویش سے آپ آتے ہیں اس کا ذکر بھی کیجیے۔ جب پتا جی ریاض کرتے تھے تو پتا جی ماتا جی کو سامنے بیٹھاتے تھے۔ اچھا۔ یہ میرے جنم سے پہلے وہ ستار کا ساؤنڈ میرا کان میں آئے، سور جی آئے۔ کوئی اگر ہم کو پوچھتے ہیں کہ کب آپ کا سیکھنا شروع ہوا میوزک کا، میں بولتا ہوں کہ 10 مہینہ پہلے، جنم سے 10 مہینہ پہلے۔ کیا بات ہے۔ مہر گھرانے سے آپ آتے ہیں، تو کچھ اپنے گھرانے کے بارے میں اور پنڈت روی شنکر جی سے اگر کچھ جڑی ہوئی یادیں ہوں تو ضرور ذکر کیجیے۔ میں دریا گنج میں ایک اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کر رہا تھا، تو اچانک خبر آیا کہ پنڈت جی آ رہے ہیں، تو تھوڑا اسٹاپ کرنا پڑے گا ریکارڈنگ۔ میں نے بولا اس سے اچھا کیا سنواد ہو سکتا ہے، تو اس سے پہلے میں نے ان سے کبھی ملے نہیں، تو ایک دم آمنے سامنے ہو کہ میں کیا ہو گیا، میں ان کے ساتھ ہندی میں بات کرنا شروع کر دیا۔ اچھا۔ انہوں نے بنگلہ میں مجھے کہا کہ رکو رکو رکو، میں بھی بنگالی ہوں، تم بھی بنگالی ہو، تو میرے ساتھ ہندی کیوں بولتے ہو؟ تو میں نے بولا میں سب بھول گیا آپ کو دیکھ کے، تو میں نے بولا آشیرواد دیجیے۔ تو انہوں نے مجھے ہاتھ لگا کے پیچھے تک نیچے تک جو انہوں نے لے کے گئے ہاتھ، وہ فیلنگس ابھی بھی مجھے یاد ہے اور رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں نے بہت ان کو ریکویسٹ کر کے سنانے کا ایک اپوائنٹمنٹ کیا کلکتہ میں۔ تو اس دن میں 20 منٹ لیٹ پہنچا، لیٹ ہو گیا کیونکہ ہاوڑا برج تھوڑا جیم ہوا تھا۔ بولے کہ تمہارے لیے تو 20 منٹ ہی تھا، تو وہ تو چلا گیا، تمہارا ٹرن چلا گیا۔ تو میں نے وہ ہاتھ پاؤں جوڑ کے، تو پھر انہوں نے میرا سنا، آدھا گھنٹہ 45 منٹ تک سنا۔ بعد میں بولا تم تو بہت اچھا بجا رہے ہو، تمہارے ایل پی نکال، اس زمانے میں ایل پی نکالتا تھا، تو تمہارا ایل پی نکال رہا ہے تو میرے پاس کیوں آ رہے؟ میں نے بولا نہیں، میں سب بھولنا چاہتا ہوں، شروع سے میں آپ سے شروع کروں گا۔ تو بس پھر میں نے گنڈا بندن ہوئی میری، اور ان کے ساتھ گھومنا شروع ہوا، جہاں جہاں وہ رہے ہم جا کے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت سارا کہانی ہے۔ سنتور کو پنڈت ترون بھٹاچاریہ کیسے ڈیفائن کرنا چاہیں گے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ میرا، ہم لوگوں کا جو اتہاس جو بولتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ یہاں تھا انڈین ستیہ تنتر وینا کے نام سے، اور وید پران میں اس کا چرچا پایا جاتا ہے۔ ایک تنتو وینا تھا، فشنگ تھریڈ سے، اس سمے یہ وائر نہیں تھا لوہے کا، تو فشنگ تھریڈ سے وہ بناتے تھے، تو تنتو وینا، اور پیناک بینا، پیناک بولتے تھے سٹکس کو۔ تو ستیہ تنتر بینا اس کا نام ہے، اور پوری ورلڈ میں اس کا فیملی انسٹرومنٹ پایا جاتا ہے۔ کون کہاں کہاں؟ جیسا کہ امریکہ میں ہے ہیمر ڈالسیمر، یورپ میں ہکبریٹ، چائنا میں یانگنگ اور یانگچین۔ سنتور، دا نیم سنتور ہیز کم فرام مڈل ایسٹ کنٹریز، عراق، ایران، تو سب جگہ کا سنتور تھوڑا تھوڑا قانون ہے، تو تھوڑا دیکھنے میں شیپ تھوڑا سا ڈفرینٹ شیپ ہے۔ کن خاص گروؤں کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے، کچھ اور جن لوگوں سے آپ نے سیکھا؟ میرا سکھا پہلے تو پتا جی گھر ہی میں، اور اس کے بعد پتا جی کا بہت ہی اچھا نزدیکی فرینڈشپ تھا پنڈت دلال رائے جی سے، اور پھر ہم نے کچھ راگوں کا تعلیم مجھے ملا سنیل مکھرجی سے۔ سنیل مکھرجی جی ہی واز اگین دا
डिसाइपल ऑफ राधिका मोहन मैत्रो, मेरा पिताजी भी पंडित राधिका मोहन मैत्रो जी का शिष्य थे, तो ये सब रागों का तालीम मुझे खूब मिला। तो जैसे कि बिलास खानी टोड़ी, मुश्किल मुश्किल राग जो जो है, और आपको कौन सा पसंद है? मुझे तो अगर आप पूछे तो रागेश्री ज़्यादा पसंद है, रागेश्री पसंद है। मैं मैहर घराने का हेमंत भी बहुत बजाता हूँ। अच्छा, वो भी बहुत पसंदीदा राग है। रागेश्री इसलिए पसंद है, रागेश्री में रोमांस भी है और डेप्थ भी है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे? एक देखिए, मैहर घराने का कितने शानदार बंदिशें हैं, राग हेमंत। बहुत ही बढ़िया पंडित जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है, उन्होंने अपनी राय दी है, मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय ज़रूर दें। आइए देखते हैं। तरुण भट्टाचार्य संतूर के, हमारे देश के विशिष्ट कलाकारों में हैं। इसके संतूर के बाज में उसमें गायकी की भी है, भावनाएँ हैं, तैयारी है, लयकारी है, सब कुछ है। और हम बहुत ही आशीर्वाद करते हैं कि वो शतायु रहे और इसी तरह से अपने कला का प्रदर्शन करते रहें। शास्त्रीय संगीत में वाद्यों का विशेष महत्व होता है। वाद्यों में एक लोकप्रिय वाद्य संतूर भी है और उसके सिद्ध हस्त कलाकार पंडित तरुण भट्टाचार्य हैं। उन्होंने अपनी एक विशेष शैली भी बनाई है। उनका टोन जो है साज का, वो मुझे बहुत पसंद आता है संतूर का। मैंने भी उनके साथ कई प्रोग्राम दिए हैं, देश विदेश में हम लोग घूमे हैं। तरुण भट्टाचार्य के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग इतना प्यार करते हैं हमसे, और विशु भाई और आप्पा जी का तो मैं, हम लोग एक ही जगह में रहते हैं। उनका पोता का बेटा भी हमसे सीखते हैं, और विशु भाई तो फैमिली मेंबर हैं मेरा, अब कह सकते हैं। कई सालों से उनके साथ रिश्ता जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारा पूरा वर्ल्ड हम लोग टूर किए एक साथ। आपको इन्वेंटर ऑफ मनकास भी कहा जाता है, और आपने सितार और सरोद को भी बहुत खूबसूरती के साथ इसमें समाहित किया है। कैसे आप मेरी ऑडियंस को समझाना चाहेंगे, खासतौर से क्योंकि आपने इसको पेटेंट भी कराया है? 100 तार ट्यून करना बहुत ही मुश्किल काम है, जबकि मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुश्किल है टू ट्यून माय सिंगल वाइफ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ अ फेमस ओडिसी डांसर, गुरु संचिता भट्टाचार्य आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आधा से ज़्यादा नोट यहाँ से ट्यून हो जाता है, आधा से आधा स्वाद। देखिए, तो यहाँ से हम ट्यून कर लेते हैं तुरंत। यही है मन का? हाँ, ये है मन का, ये जो व्हाइट स्टफ जो आप देख रहे हैं जी, ये देखिए, जैसे एक तार बेसुरा हो गया, बेसुरा हो गया तुरंत सुर में, काम खत्म हो गया। तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ट्यूनिंग में पहुंचना बहुत जरूरी है, और वो जैसे रेडियो में आपने देखे फाइन ट्यूनर का जरूरत है, वायलिन में भी स्क्रू है, तानपुरा में भी ऐसा मैन का है,
सरोद में भी है, तो इसमें क्यों ना हो, ये तो और जरूरी था इसमें, तो इसलिए मैंने इसको इन्वेंट किया है। इन्वेंट किया। रागदारी को लेकर आपने, आपका एक बिल्कुल अलग मकाम है, तो रागदारी को लेकर किस तरह की कोशिशें आपको लगता है दरकार है? कोई भी अगर क्लासिकल म्यूजिक करे, जब फ्यूजन म्यूजिक करे, कुछ भी करो, जब क्लासिकल म्यूजिक के लिए बैठो तो राग को, राग के साथ जस्टिस होना चाहिए। जो तालीम है, मैं क्या करता हूँ, जिस राग पर मुझे दखल है, जो तालीम, ज़्यादा तालीम मिला, उसी को मैं प्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, तो ये बहुत ज़रूरी है, रागदारी बहुत ज़रूरी है। और एक राग सीखने का बाद मैं जो किया बचपन में, डिफरेंट डिफरेंट सेम राग डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट को सुना मैंने, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, क्या क्या रूप देते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ, काफ़ी सारा फ्रेजेस मिला और फ्रेजेस मिला। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय दी है और जिन्हें अब हम दिखाने जा रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम मकाम भी रखती है। अच्छा, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। आइए। पंडित तरुण भट्टाचार्य इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्टिस्ट ऑफ आवर ईरा। एज अ पर्सन ही इज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पीपल आई हैव मेट। आई हैव अ डीप डीप अफेक्शन फॉर हिम। ही हैज एन इनक्रेडिबल सेंस ऑफ ह्यूमर। ही is incredibly witty, smart, astute, and somewhere deep inside there's a philosopher who sees life objectively. The way he plays, his different innovations with the instrument, of course everybody knows about his mean and his pressure induced kamak, but his laikari and his sense of musicianship, musicality, which is also very, very well born out in his collaborations and his semi-classical work as well, which he's done a lot of, and very relevant work there. Tarun ji is the only Santoor maestro from the famous Maihar Gharana, and he plays the Santoor in the style of sitar and sarod, bringing out the highly classical elements of the Maihar Gharana. Tarunji believes in giving and giving to the next generation, grooming them. You know, it is a relay race where he believes in passing the baton to the next generation, as the whole world needs to be musical. The next generation needs to love music, even if they do not become musicians. Beautiful message. क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीबी के लिए अगर बोलना है, बिल्कुल, मैं चाह रही थी कि आप उनके लिए जरूर बोलें, और ये भी जानना चाह रही थी कि उनसे मुलाकात कैसे होती है। अच्छा, एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी। तो कोई हमसे मिलने के लिए आ रही थी, कोई एक लड़की, इनकी फ्रेंड, बहुत, हमने उस प्रोग्राम में, मुझे इनॉग्रेट करना था, मैं आधा घंटा लेट पहुंचा, प्रोग्राम हेल्ड अप हुआ था, तो कुछ स्पेन से टीम आया था, उनका प्रोग्राम था, तो हम जैसे भाग के आ रहा है कि लेट हो गया, सीढ़ी से उतर है, वो ये लोग सीढ़ी से ऊपर आ रहा है, एकदम धक्का हो, ऐसा हो गया अचानक, तो तुरंत ये बोली कि आपका आने का यही टाइम हुआ, इतना बड़ा कलाकार इतना लेट। मैंने बोला, अरे ये तो बहुत मतलब चमकदार है, तो स्पार्क है इनमें, तो देखा जाए ये कौन है, इतना स्पार्क स्पार्क लेडी। तो उसके बाद मतलब थोड़ा थोड़ा मुलाकात हुई, फिर ये ओडिसी डांसर है, आप जानते हैं, तो गुरुजी पंडित रविशंकर जी ने वो एक दिन फ़ोन करके बोले कि जुगलबंदी हो सकता है कि नहीं। मैंने कहा, आपका हुक्म है तो करेंगे। तो दिल्ली में जॉर्ज हैरिसन जी का बर्थडे में गुरुजी ने ऑर्गेनाइज किए थे। पंडित जी, संचिता जी ने जैसे कहा कि आप एक मशाल की तरह काम कर रहे हैं और आगे अपना जो हुनर है वो युवाओं को देना चाहते हैं, इसके लिए आप बहुत से काम भी कर रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, युवाओं को ट्रेन भी कर रहे हैं, पर अगर हम संतूर की बात करते हैं तो संतूर को लेकर युवाओं में आप किस तरह का रुझान देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि किस तरह से ज़्यादा युवाओं को इस एक वाद्य के साथ जोड़ा जा सकता है? हमारा जो कला है भारतीय मार्ग संगीत, इसको अगर नेक्स्ट जनरेशन को नहीं पास करेंगे तो ये लुप्त हो जाएगा। तो इस दौरान मैंने संतूर आश्रम स्कूल ऑफ म्यूज़िक खोले, तो है ही शहर में, तो है ही है,
लेकिन गांव में भी थोड़ा सा इंटीरियर में जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब बच्चों, उनके लिए मैंने अलग स्कूल खोल दिया है। कहाँ पर? संतूर आश्रम, हावड़ा एक डोमजूर आश्रम है, उधर है। अच्छा, वो सब फ्री है। ये जो संतूर इंस्ट्रूमेंट है अभी भी ये बहुत चर्चित, बहुत पॉपुलर नहीं है। मेरा कहना है क्यों ना जैसा कि स्कूल का स्टडी हो उसमें अगर संतूर या कोई और म्यूजिक को कंपलसरी कर दिया जाए। आपको लगता है कि एज ए इंस्ट्रूमेंटलिस्ट चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत गायकी के, या क्योंकि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को अपनी एक जगह बनानी पड़ती है, तो आपको लगता है कि ये एक मुश्किल काम है? हाँ, काम तो मुश्किल है ही है, ख़ासतौर पर जब नया इंस्ट्रूमेंट हो तो सब जगह डिस्क्राइब करके, और ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि सामने वाले को, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगे, स्वीट लगे, सुंदर लगे। तो वही हम कोशिश करते हैं। पंडित जी, मैंने कहीं पढ़ा, आपने कहीं कहा है कि फ्यूजन इज अ कन्फ्यूज्ड वर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, इसको किस तरह से रखना चाहेंगे आज शख्सियत के माध्यम से? देखिए, आप देखे ही होंगे आजकल एक ट्रेंड शुरू हो गया, कोई भी और कैसे भी और कभी भी और कहीं भी फ्यूजन म्यूजिक शुरू कर देते हैं, मेकिंग म्यूजिक ऑन द फ्लोर, किसी से किसी का मुलाकात नहीं, कुछ नहीं, ना जान ना पहचान शुरू हो गया। मैं तो इसमें थोड़ा सा मैं हैरान हो गया, और मैं बोलता हूँ कि फ्यूजन नहीं, ब्लेंडिंग होना चाहिए। एक ब्लेंड करके, जैसे कि दो आइसक्रीम मिला के एक आइसक्रीम नया बना के देते हैं, तो वैसा होना चाहिए फ्यूजन म्यूजिक। चलते चलते आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगे जो आपको लगता है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि म्यूजिक सीखना सबके लिए मुमकिन नहीं है, ना ही जरूरी है। म्यूजिशियन बनना जरूरी नहीं है, तब डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा? लेकिन आज वो घड़ी आ गई है, वो टाइम आ गया है जब हम सबको म्यूजिकल होना जरूरी है। एक म्यूजिकल पर्सन होना चाहिए जिसका अंदर को बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। दिस म्यूजिक हैज़ पावर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट थिंग फ्रॉम आवर विद इन। तो इसके लिए सुनना पड़ेगा ये म्यूजिक, और अलग टाइम मत निकालिए। जब आप तैयार हो रहे हैं, जब बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो बच्चे सुने, कोई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का शहनाई चला दीजिए घर में। जब बेड टाइम हो रहा है, बेड में जा रहा है, कोई पंडित रविशंकर जी नहीं तो वो कोई और बड़े कलाकारों का सबका कोई रात का राग चला दीजिए, तो म्यूज़िक सुनते रहिए, उससे भी काम होगा, दिमाग शांत रहता है, दिमाग शांत रहेगा और आप दिल खुश रहेगा, अच्छा इंसान बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पसंद का कोई एक गीत जो आपको बहुत पसंद हो, इस पे अगर आप सुनाना चाहें। अच्छा अच्छा, इसमें बिल्कुल अच्छा। तो एक मेरा एल्बम एक हमने रिलीज़ किए थे कि जो गोल्डन सॉन्ग्स है पुरानी, चार गाने लेकर हम किए थे, तो वो सब रागों का ऊपर आधारित है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे ही एक सॉन्ग सरस्वती चंद्र फिल्म से, चंदन से वदन, अच्छा राग यमन पर है। बिल्कुल। किनारे कजरारे माथे पर
सिंदूरी सूरज होठों पे देखते अंगारे साया भी जो तेरा पड़ जाए साया भी जो तेरा पड़ जाए आबाद हो दिल का वीराना चंदन सावधन चंचल चितवन। तो पंडित जी आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।